10 सितंबर से जो है वो माता चिंतपूर्णी के और हिमाचल के जितने भी मंदिर हैं उसके कपाट खोलने का फैसला जो है वो सरकार ने लिया है। ये बहुत ही अच्छा फैसला है क्योंकि लोग इस वक्त जो हैं वो काफ़ी उनके हाथ खाली हैं, दुकानदार दुकानें खाली कर रहे हैं अपनी, जो है उनके पास कोई रोजगार का साधन नहीं है। जो मंदिर के मतलब मंदिर के ऊपर निर्भर थे उनमें एक आशा की किरण जगी है जिससे जो है वो उनका थोड़ा भला हो जाएगा और लॉकडाउन की वजह से जो उनको आर्थिक तंगी है उसका भी थोड़ा समाधान हो जाएगा। लेकिन हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़े हैं और बहुत ही समझदारी के साथ और बहुत ही सरकार को समन्वय बना के लोगों के साथ और होशियारी से जो है वो ये मंदिर खोलने का जो निर्णय है वो बहुत तरीके से करना पड़ेगा। सभी लोग जो श्रद्धालु बाहर से आए हैं उनकी पूरी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। गवर्नमेंट सरकार 10 तारीख से मंदिर खोलने जा रही है, हम भी अपनी दुकानें बाजार के खोलने में सरकार का सहयोग करेंगे और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे और उसी के मुताबिक हम थोड़ा बहुत काम की के हमारा भी काम, हमारी भी दुकानें थोड़ी बहुत चले, इसलिए प्रशासन से हमारी भी एक मांग है कि कम से कम यात्रियों को कम छोड़े और कम से कम हमें भी कुछ मौका दें काम करने का। 5 महीने से मंदिर में पुजारी वर्ग नियमित पूजा कर रहा था और कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। ये बहुत खुशी की बात है कि लॉकडाउन खुल चुका है 10 तारीख से। मेरी सभी भक्तों से अपील है कि जो बुजुर्ग और छोटे बच्चे हैं कृपया करके वो यहाँ पे मंदिर ना आए, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से वेबसाइट चल रही है, उसमें ऑनलाइन दर्शन करें। श्री चिंतपूर्णी माता मंदिर को खोलने के बारे में निर्णय लिया गया है। ये मंदिर 10 सितंबर से सभी श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा। श्रद्धालुओं के आते ही उन्हें मेडिकली स्क्रीन किया जाएगा, सभी का चिंतपूर्णी सदन में पंजीकरण किया जाएगा, उसके उपरांत श्रद्धालु श्री माता चिंतपूर्णी जी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि वो किसी भी तरह की ऑफरिंग जो है वो मंदिर में ना चढ़ाएं, नारियल ना चढ़ाएं, फूल ना चढ़ाएं, प्रसाद ना चढ़ाएं। पूरा मंदिर प्रशासन श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा के लिए प्रतिबद्ध है, पूरी साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा और यदि कोई श्रद्धालु सिम्टोमेटिक होता है तो उसे आइसोलेट किया जाएगा, हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि जितनी भी गाइडलाइंस हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई हैं या जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई हैं उनकी अनुपालना करें। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि वो अपनी 2 दिन की कन्फर्म्ड किसी होटल में बुकिंग के साथ तथा COVID-19 RT-PCR नेगेटिव रिजल्ट के साथ ही जिला में प्रवेश कर पाएंगे। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।